ओके वेलकम एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वंस अगेन ऑन द चैनल बाराबंकी जीनियस कोचिंग। और जैसा आप जानते हैं कि नया सवेरा नई शुरुआत के साथ, और फिर आज हम लोग नए कुछ सीखने के लिए आए हैं जो हम लोग स्पोकन इंग्लिश में सीख रहे थे कि कैसे हम अपने डे टू डे लाइफ में जो हिंदी में सेंटेंसेस होते हैं उसको इंग्लिश में कैसे बोलें, ये सीख रहे थे, और जिसको हम लोग टिप्स के माध्यम से सीख रहे थे। सो टुडेज टिप्स जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन कि किस तरीके से, मान लीजिए अक्सर होता है कि हम लोग जब बातचीत करते हैं तो लोगों के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं कि चलो, है ना, अब ये वर्ड है, चलो, बोलने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है लेकिन अक्सर हम लोग बोलते हैं यार चलो चाय पी करके आते हैं, है ना, चलो सहारागंज चलते हैं, बहुत दिन से नॉनवेज नहीं खाया, चलो नॉनवेज खा कर आते हैं। तो यानी कि हम किसी के सामने प्रस्ताव रखते हैं, ना, इंग्लिश में कहें तो प्रपोजल। तो प्रपोजल या प्रस्ताव रखते हैं। अब ये हिंदी में तो बोल दिया आपने कि चलो सहारागंज चला जाए, चलो नॉनवेज खा के आते हैं, चलो चाय पी के आते हैं, चलो चाय पी जाए, चलो मूवी देख करके आते हैं। अब इसको अगर इंग्लिश में बोलना हो आपको तो आपके सामने एक ऑप्शन है ये वाला, कौन सा, लेट्स का। देखिए मैंने लिख दिया लेट्स। अब देखा जाए तो लेट्स क्या है, ये लेटस का शॉर्ट फॉर्म है स्पोकन इंग्लिश में, बोलचाल की भाषा में इसको हम लोग लेट्स कहते हैं, ठीक। अब जहां पर भी लेट्स लिखा होगा उसके तुरंत बाद क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको पता है जो भी एक्शन होता है, यानी जो काम करने के लिए आप कह रहे हैं वो एक्शन होगा एक तरीके से, तो उसको आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखिएगा, और वर्ब के बाद क्या आता है आप सबको पता है, ऑब्जेक्ट, है ना। तो देखिए ये सेंटेंस का आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया कि सबसे पहले लिखिएगा चलो के लिए लेट्स, फिर जो काम आप करना चाह रहे हैं उसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और फिर ऑब्जेक्ट। तो आज का जो टिप्स है वो चलो, यानी कि चलो चलते हैं, या आओ चलें, कभी कभी लोग बोल देते हैं आओ चलें, है ना। तो इस तरीके का भी अगर आप सेंटेंस बोलते हैं हिंदी में तो उसके लिए क्या है, लेट्स है आपके पास, ठीक। चलिए तो ये हो गया आज के टिप्स। अब इस पर बेस्ड सेंटेंस कैसे बनते हैं वो आपको सिखा रहे हैं जल्दी से। देखिए आज की जो टिप्स है वो है कौन सी, लेट्स। जैसे आपने कहा कि चलो चाय पिए तो कैसे कहेंगे, लेट्स पीने के लिए क्या आ जाएगा, ड्रिंक, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, टी। तो देखिए आपका सेंटेंस बन गया ना, लेट्स ड्रिंक टी, चलो सहारागंज चला जाए, चलो सहारागंज चला जाए, यार बहुत दिन से कहीं घूमने नहीं गए, है ना, अब लॉकडाउन खत्म हुआ है, मॉल खुल रहे हैं अनलॉक में, तो चलो सहारागंज चलते हैं, या चलो सहारागंज चला जाए। अब ये हिंदी में सेंटेंस है, इंग्लिश में बहुत आसान है, चलो यानी लेट्स, चलने के लिए क्या आएगी, गो टू सहारागंज, जहाँ जाते हैं उसके मतलब गो के बाद टू लगा देते हैं, ये याद रखिएगा, है ना। और देखिए चलो नॉनवेज खाया जाए, अब देखिए सेंटेंस बन जाएंगे सारे आपसे, चलो नॉनवेज खाया जाए, लेट्स ईट नॉनवेज, या चलो एक नई मूवी लगी आज, मूवी देख करके आते हैं, पिछले छह महीने से कोई मूवी नहीं देखी, तो जब आप इंग्लिश में कहेंगे क्या कहेंगे, लेट्स वॉच मूवी, चलो मूवी देखते हैं, लेट्स वॉच मूवी। तो याद रखिएगा प्रपोजल के लिए इंग्लिश में लेट्स आता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, फाइन। तो चलिए तो इसका एक स्क्रीन शॉट ले लिए सो दैट यू मे स्पीक द सेंटेंस इन इंग्लिश। तो चलो के लिए क्या लिखेंगे, लेट्स, और जो काम होगा उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दीजिएगा, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो ये आपकी एक टिप्स हो गई, कौन सी, चलो, ठीक। अब आते हैं सेकेंड टिप्स पर कि किस तरीके से आप सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। एक तो हो गया चलो वाला, दूसरा सेंटेंस है देखिए, ये वर्ड मैं लिख रहा हूं बीच बीच में, अच्छा इससे पहले बीच बीच में से पहले जो आपको बार बार कराते हैं क्योंकि वो ज्यादा इफेक्टिव है, बार बार। अब देखिए बार बार ये अक्सर हम लोग बोलते हैं, जैसे कि वह, तुम बार बार उसे क्यों डांटते हो, तुम बार बार उससे क्यों पूछते हो, तुम बार बार उसे क्यों परेशान करते हो, है ना। अब ये वर्ड हिंदी में आपने बार बार दो बार बोला है, लेकिन इसका जब इंग्लिश ट्रांसलेशन करना होगा तो कहीं ना कहीं अगर इसका मीनिंग आपको क्लियर है
देन यू कैन इजिली स्पीक, अदरवाइज यू विल स्टक, है जी। अगर आपको क्लियर है तो बार बार की इंग्लिश क्या होती है, इसलिए इंग्लिश में कहते हैं टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन, पहले तो याद कर लिए। बार बार को इंग्लिश में कहते हैं टाइम एंड अगेन। अब इसमें क्या करना होगा, इसमें आपने जो सेंटेंस बोला है उसके लास्ट में आप जोड़ दीजिएगा टाइम एंड अगेन, जैसे तुम बार बार उससे उसे क्यों फोन करते हो। अक्सर होता है कि अब एक बार मना कर दिया गया फोन करने के लिए, तुम बार बार उसे क्यों फोन करते हो। अब आपने देखा कि ये सेंटेंस किस टेंस का है, ते होप, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्वेश्चन मार्क लगा है, तो व्हाई डू यू कॉल हिम टाइम एंड अगेन, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और देखिए, तुम बार बार उससे क्यों बात करते हो, तुम बार बार उससे क्यों बात करते हो। तो बात करने की टॉक होती है, क्यों के लिए आएगा वाई, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो हेल्पिंग वर्ब डू आएगी। ये आपको थोड़ा सा टेंस वाइज पढ़ना होगा, और वैसे आपको पता ही भी है, फिर सेंटेंस बन जाएगा। देखिए मेरे साथ लिखिए, व्हाई डू यू टॉक टू हिम या हर, और आखिर में क्या जोड़ना है आपको, टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन। तो आपने देखा कि बार बार को इंग्लिश में क्या कहेंगे, टाइम एंड अगेन। अब ये सेंटेंस की खूबसूरती है कि आपको ये आना चाहिए कि बार बार को टाइम एंड अगेन कहते हैं, फिर जो सेंटेंस जिस सेंटेंस का टेंस का होगा उस टेंस से बना करके लास्ट में आपको टाइम एंड अगेन ऐड कर देना होगा, और आपका सेंटेंस जो है वो खूबसूरत बन जाएगा, और आप जो है उस सेंटेंस को बोल करके निकल जाएंगे कहीं, तो कोई अटक नहीं होगी आपको। ठीक, तो आज की पहली टिप्स थी आपकी चलो, जिसको आपने कहा था लेट्स, और दूसरी थी बार बार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टाइम एंड अगेन। ओके, तो एक तो टिप्स हो गई, टिप्स के साथ साथ आपको पता है कि सेंटेंस के साथ हमें कुछ वर्ड्स चाहिए होते हैं जो हम अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। सो टुडेज वर्ड्स वोकैबुलरी का सेगमेंट है, प्लीज देखिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा। वोकैब में जैसा कि फर्स्ट वर्ड है आज का, बहानेबाज। आपने देखा होगा बहुत से लोग कहते हैं यार तुम बहुत बहानेबाज हो, तुम बहुत टाल मटोल करने वाले हो, तुमसे कोई काम कहो तो तुम बहाना बना देते हो। तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं उसके लिए एक वर्ड याद कर लिएगा आज के बाद, कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। इसे कहते हैं इवेसिव, चाहे तो उसको आप हिंदी में लिख लिए इवेसिव, जैसे आप याद कर पाए आप याद करिए। जो कि आप सीख रहे होते हैं तो कोई शर्म की बात नहीं है, आप चाहे तो उसको हिंदी में लिख के याद कर सकते हैं, लेकिन जब आप बोलेंगे तो क्या इवेसिव ही निकलेगा मुंह से, तो इंग्लिश ही मानी जाएगी, लेकिन भले ही आपने उसको हिंदी में लिख के क्यों ना सीखा हो। तो बहानेबाज को क्या कहते हैं, इवेसिव, तुम टाल मटोल करने वाले इंसान हो, यू आर इवेसिव, यानी कि तुम बहानेबाज हो। ठीक, दूसरा देखिए, एक वर्ड है समझदार, ये बहुत यूजफुल है और इसकी इंग्लिश आपको आती भी है। जैसे आप कहते हैं समझदार के लिए आपके तुरंत निकलेगा वाइज या इंटेलिजेंट, आप लोग बोल देते हैं, ठीक है स्पोकन इंग्लिश में सही है, लेकिन हियर वी आर हियर टू लर्न स्पोकन इंग्लिश एज वेल एज कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ऑल्सो, बिकॉज वी आर हियर टू इम्प्रूव अवर सेल्फ, नहीं समझे, यहाँ पर हम अपने आप को और इम्प्रूव करने के लिए आए हैं, यानी कि जो हमें आता है वो तो ठीक है, जो नहीं आता उसे सीखना होगा। तो जैसे समझदार के लिए आपको जो आता है आज याद करिएगा सगेशियस, या इसका एक वर्ड और है प्रूडेंट, ये दो वर्ड याद करिएगा सगेशियस एंड प्रूडेंट, तो ये कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में भी आपको काम आएगा, कॉम्पिटिशन में बहुत पूछा जाता है। ठीक, और देखिए थर्ड ऑफ टुडे, सोच में डूबा हुआ। देखिए आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो पर्टिकुलर आप उनसे कोई यानी कि कोई चीज है उस पर वो बहुत ही चिंतन और मनन करते हैं, बहुत देर तक सोचते सोचते और विचार करते हैं, तो
वो जो अवस्था उनकी होती है जो सोचने की, तो सोच में डूबा हुआ इंसान, इसके लिए एक वर्ड बनाए, और ये आपके वन वर्ड्स में ही बहुत काम आएगा। इसको कहते हैं पेंसिव, यानी कि अ पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स डीपली इज कॉल्ड पेंसिव, यानी कि वो जो गहराई में सोचता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग पेंसिव। फाइन, और देखिए नेक्स्ट वर्ड ऑफ टुडे इज असंतुष्ट। आपने देखा होगा कि इन टुडेज वर्ल्ड मोस्ट ऑफ द पीपल आर डिससेटिस्फाइड विद देयर लाइफ्स। नहीं समझे, आजकल के दौर में आपने देखा होगा कि अधिकतर लोग जो हैं वो असंतुष्ट दिखाई देते हैं, असंतुष्ट हैं अपनी जिंदगी से। तो एक तो वर्ड बहुत पॉपुलर है, आप सबको पता है, सेटिस्फाइड का उल्टा क्या होता है, डिससेटिस्फाइड। हाँ, लेकिन आप दूसरा वर्ड दे रहे हैं, इसको याद करिएगा, MAL, मल कंटेंट। MALCONTENT, मल कंटेंट का मतलब ही होता है डिससेटिस्फाइड, या इसका एक और वर्ड है जो आपके एग्जाम में बहुत आता है, डिसकंटेंटेड, डिसकंटेंटेड, यानी कि द पर्सन हु इज डिससेटिस्फाइड। तो उसी के सिनोनिम्स में अगर देखें तो एक वर्ड डिसकंटेंटेड है, दूसरा मल कंटेंट आ जाएगा। ठीक है, और देखिए ये वर्ड बहुत पॉपुलर है और अक्सर हम लोग यूज करते हैं, साफ सुथरा इंसान। आपने देखा होगा बहुत से लोग क्या होता है कि उनके पास भले ही दो जोड़ी कपड़े क्यों ना हो, लेकिन वो दो जोड़ी कपड़े बहुत ही सलीके से और साफ सफाई करके पहनते हैं, तो उनके लिए वर्ड यूज करते हैं कि वो बहुत ही साफ सुथरे तरीके से कपड़े पहनने वाला इंसान है। तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में डैपर, DAPPER। डैपर का मतलब अ पर्सन हु ऑलवेज नीटली ड्रेस्ड, यानी कि जो ठीक से साफ तरीके से कपड़े पहनते हैं, दैट पर्सन इज कॉल्ड डैपर। फाइन, तो ये वर्ड्स एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला है बहानेबाज इवेसिव, समझदार सगेशियस या फिर प्रूडेंट, सोच में डूबा हुआ पेंसिव, असंतुष्ट मल कंटेंटेड या डिसकंटेंटेड, और साफ सुथरा इंसान डैपर कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपके लिए यूजफुल हैं, और आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और ऐसे ही वीडियोस आपके सामने रोज लेकर के आते रहेंगे, 10-15 मिनट के छोटे छोटे वीडियोस जो आपको हेल्प करेंगे इन लर्निंग स्पोकन इंग्लिश। तो ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल मोर एंड मोर, न केवल कॉम्पिटिटिव वालों के लिए बल्कि दोज हु वॉन्ट टू इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, दिस सेशन इज वेरी यूजफुल फॉर देम। सो प्लीज शेयर and stay home and stay safe in this time of pandemic. Thank you. Thanks for watching this video. See you again tomorrow. Thank you.